जय हिंद दोस्तों। देखिए पॉलिटिकल साइंस जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। अगला है कि भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री कौन है, यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कि न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल और राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? तो राज्यसभा के लिए हो जाएगा 30, कितना 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005 में, 1998, 1998 में, 1999 में, 1995 में? तो इसका आंसर होगा 1999 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो 6 अगस्त 1952 को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म है वह पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। अगला है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया गया, ये किसने कहा दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कूपलैंड ने कहा था। किसने कहा था? कूपलैंड ने ही कहा था दोस्तों, इसका आंसर होगा। अगला है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? 1951, 1919, 1819, 1958? तो ये इसका आंसर होगा 1919 हो जाएगा, ठीक है, 1919 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला है महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920 में, 1965 में, 1986 में, 1933 में? दोस्तों ये तो भाई नहीं हो सकते, क्योंकि भाई गांधी जी की पहले ही हत्या हो चुकी थी। इन दोनों में आंसर होगा, तो इन दोनों में ये आंसर है 1933, एकदम सही होगा। अगला है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था, यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स था वो लेबर पार्टी का था दोस्तों। किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर से। और क्या कहा था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा ही सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम है। इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। कब होती है? 1885 को होती है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा चंपारण, 1917 में चंपारण आंदोलन किया था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? तो किसने कहा था दोस्तों? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया कि गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था उसमें अपनी वकालत छोड़ दी। अगला है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी? दोस्तों नमक सत्याग्रह के दौरान है वो सरोजिनी नायडू थे, वो गांधी जी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर? तो इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी ने ही लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की? कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवाद पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक।
अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया या केसरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन आ गए लेकिन फिर भी ये ऑप्शन गलत है। केसरी तो किसका है, केसरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का है। इसका आंसर होगा यंग इंडिया इज द राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे, शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू सी बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे शाहनवाज खान। ओके कौन थे, शाहनवाज खान थे जो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। अगला है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा, नेसल्स ने, नेपोलियन ने, चर्चिल ने या बोस ने। तो इसका आंसर होगा चर्चिल। चर्चिल ने कहा कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, माउंटबेटन ने, विलियम बेंटिक ने, कर्जन ने या क्रिप्स ने। इसका आंसर होगा कर्जन। कर्जन ने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अगला है कि गदर पार्टी, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, अमेरिका में है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर की, सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था, तो 1937 में त्याग पत्र, सॉरी दोस्तों 1937 नहीं 1939 में त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया, गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। दोस्तों राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा था, गोपाल हरि देशमुख को ही राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा था। दोस्तों गोपाल हरि देशमुख ने कहा था। ठीक है ऑप्शन नंबर ए है ये इसका एकदम सही होगा। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली, क्रिप्स, कर्जन या कोई नहीं। दोस्तों कौन था, माउंट एटली था, कौन था, एटली, एटली। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने, बोस ने, राय ने या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि गोवा, तो गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया, 1961 में, 47 में, 50 में या 63 में। इसका आंसर होगा 1961 में, और पुर्तगालियों को लात मार के बाहर निकाला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।